संक्रांति और पूर्णिमा एक दिन में आएगा। अच्छा, बहुत विशाल योग है वो। जी जी जी। एक पक्ष में 15 दिन के अंदर पराग, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों आएंगे 5 बार। आपका लाख का होगा 3। अच्छा, वो लगातार होगा वो। मान लीजिए कंटिन्यूअसली, मान लीजिए पूर्णिमा का ग्रहण हुआ, चंद्र ग्रहण, थोड़ा पानी ले लें। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हुआ जी, अमावस्या को सूर्य ग्रहण हुआ, फिर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होगा। अच्छा अच्छा, ऐसे भी योग आ रहा है। उड़ीसा में 33 जिला होने की संभावना है, उड़ीसा में घोषणा होने का। जी जी जी। जो महापुरुष यशवंत दास जी के जो कोयली मालिका है उसमें प्रमाण मिलता है कि जो 13 जिला जो है वो 33 जिले में जब कन्वर्ट होगा, उस वो जो है 2024 का योग बैठ रहा है जी। श्री मंदिर से देव, श्री जगन्नाथ मंदिर से और 2 बार पत्थर गिरेगा, और 2 बार पत्थर गिरेगा। मतलब कुल मिला के मालिका के हिसाब से, मालिका के अनुसार कुल मिला के 7 बार पत्थर गिरेगा। 5 बार गिर चुका है और 2 बार बाकी है, और वो 2024 में 1 होगा। हाँ। अच्छा, भैरवी का डाक वो आएगा। भैरवी का डाक सुनाई देगा। कहाँ से? भुवनेश्वर से आएगा, सुनाई देगा जाजपुर तक। तो यहाँ पे श्री पुलिन बिहारी पंडा बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि 2024 में ही ये होगा कि जो भैरवी का डाक है वो सुनाई देगा उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से, और ये सुनाई देगा जाजपुर तक। उड़ीसा से जो राजधानी भुवनेश्वर से जाजपुर लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये सुनाई देगा भैरवी का डाक उड़ीसा में, सुनाई देगा भुवनेश्वर में, उसके अपने कैपिटल में जी। और क्या होगा बताइए? और हिंदू पर ऊपर में बिंदु दिखाई देगा। 2023 में दिखाई दिया था, वो नहीं है। अच्छा, मालिका के अनुसार वो नहीं है, वो नहीं है जी। एक्चुअली जो है मालिका के हिसाब में जो है वो दिखाई देगा 2024 में। अच्छा, आपको स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। इसमें नहीं, जो इंदु पर जो बिंदु है। हाँ। आप इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन की बात आप कर रहे थे, वो क्या है एक्चुअली में? उसमें क्या देखिए, ये आपका मान लीजिए हिंदू है, हिंदू है, इसका टॉप को आप सीधा लाइन में जोड़ दीजिए। हाँ हाँ हाँ, एक कोने से दूसरे कोने तक। हाँ बस। हाँ। उसका नीचे रहना चाहिए बिंदु, उसका ऊपर नहीं। अच्छा, मतलब चंद्रमा के बिल्कुल बीचों बीच ऐसा कुछ। हाँ, अर्धचंद्र होता है ना, अंदर ही अर्धचंद्र का। मतलब जो अर्धचंद्र में अगर एक लाइन खींच देते हैं वो होता है डी, डी डी शेप, तो डी के अंदर ही आएगा, अंदर में आएगा। अच्छा, बिल्कुल बीचों बीच में आएगा, ऊपर में नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा। ओके, और अंदर में आके उसके बाद जब चंद्र फिर नीचे रहेगा मूवेबल। लेकिन ये जो दिखा दिया था वो नीचे दिखाई दिया, नीचे दिखा दिया था। जी जी जी। सेकंड थिंग, वो पूर्णिमा में आपका शुक्ल पक्ष द्वादश द्वितीया में आया था, और ये कब आएगा? ये आएगा कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में, जो मालिका में लिखा है। हाँ। तिथि के हिसाब से त्रयोदशी में होगा ये। अच्छा अच्छा, तो क्या ये नकारात्मक संकेत है या फिर सकारात्मक संकेत है? ये बिल्कुल नकारात्मक संकेत है, नेगेटिव सिंबल है। लिखा है मधुकृष्ण त्रयोदशी दिन हेतु रखी बारंग थे गोटे सूचक कहवा फेई नारद आगे प्रभु कही चंद्र पर जब तारा हुए ओलट दिशा तरल भावे। दैट मीन्स बिंदु पर बिंदु देखू जब चौटी लीला उदय भावे, उदय भावे। हैं, तो ये बोलते हैं कि मधु चैत्र मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि जो आ रहा है जी, उसी दिन रात में आपको दिखाई देगा, दिखाई देगा। ओके ओके, वो है बिंदु पर बिंदु, बिंदु पर बिंदु, जो गया है वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। बाकी ये है आपका मोटा मोटी जो घटना के है, पूरी रत्न भंडार, उसके बारे में भी आप कुछ बोल रहे थे। बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। 4 धाम में से मतलब एक है, पर लिखा है धाम, क्या लिखा है? वाणी है एक जी के जो सेवक है वो बहुत अन्याय करेंगे, इसलिए लोग को दुख होगा, दुख मिलेगा जी जी जी। उसको खाने के नहीं मिलेगा, जो बड़पंडा है उसको अन्न नहीं मिलेगा खाने के लिए, राजा भी नहीं होंगे क्षेत्र में। अच्छा, उसका पद भी चला जाएगा। वो बहुत दुख हो मिलेगा उसको। क्यों? अब क्योंकि उसका प्रभु के पैर में उसका ये नहीं होगा, भक्ति नहीं होगा। नहीं, आप जो बोल रहे थे राजा भी नहीं होगा उनके पद पर, राजा हाँ। जो है उनके पद पर भी विराजमान नहीं होंगे। लेकिन मालिका में ये तो लिखा है कि कलयुग के अंतिम राजा जो हैं वो मतलब जो अंतिम राजा जो हैं दिव्य सिंह देव, पुरी के जो अंतिम राजा हैं हाँ। वो दिव्य सिंह देव है और उन्हीं के कार्यकाल में ये सब चीजें घटेगा हाँ, होगा। और आप बोल रहे हैं कि राजा पद पर नहीं होंगे। सुनिए सुनिए, मालिका में ये लिखा हुआ है, होगा नहीं होगा प्रभु के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, वो जो लिखा गया हम उसके बारे में हम बात करेंगे। भविष्य मालिका क्या देव दिव्य सिंह देव वो 7-6 साल के लिए जी राजा नहीं रहेंगे। ओके, उसको पहले मुसलमान जो आएंगे आक्रमण करेंगे पुरी को, उसको पकड़ लेंगे, लेकिन वो उस उधर से भाग जाएंगे वो। ओके, कैसे भी हो somebody will help him, वो चला जाएगा, भाग जाएंगे, जाके नेपाल में रहेंगे। ओके, या उसका आसपास कहाँ रहेगा, पड़ोसी और कुछ देश चला जाएंगे। वहाँ रुकने के बाद वो फिर आएंगे, पूरी आएंगे, अपने रानी को दर्शन देंगे, जो नया राजा हुआ होगा तो उसको दर्शन देंगे। उसके बाद वो आएंगे प्रभु के पास रहेंगे दुकात में। अच्छा, 6 साल बाद जब खत्म हो जाएगा, वार खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर वो राजा होंगे, दोबारा आएंगे और फिर राजा होंगे। अच्छा, ये जो 6 साल के जो होंगे उसका नाम होगा भुकंद देव, उसका अपना अंक चलेगा। फिर जब राजा होंगे दिव्य सिंह देव तो फिर उनका चालू हो जाएगा, कंटिन्यू होगा। अच्छा, तो फिर इसलिए कहा गया है कि कलयुग के अंतिम राजा जो है वो दिव्य सिंह देव जी होंगे और उन्हीं के कार्यकाल में सब कुछ होगा। सत्ययुग का प्रथम राजा भी वही है। अच्छा, सत्ययुग के प्रथम राजा भी वही है। बहुत बड़ी खुलासा आप किया आपने इस वीडियो में। बस लास्ट एक चीज, रत्न भंडार के बारे में क्या लिखा है? रत्न ये लिखा है ना आपका, हाँ मतलब ये एक बात विवाद है कि रत्न भंडार पूरी मंदिर में जो रत्न भंडार है वो खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसके ऊपर हमेशा मतलब बात विवाद जो है चलते आ रहा है। हाईकोर्ट ने परमिशन भी दे दिया था कि इस बार जो है रत्न भंडार खुलेगा, तो कब खुलेगा इस पर आइए बात करते हैं। नहीं, 24 में रत्न भंडार खुलेगा, 2024 में रत्न भंडार खुलेगा। उसमें कुछ रत्न जो है इधर प्रभु का जो रत्न जो है कुछ गड़बड़ दिखा जाएगा, मतलब कुछ शायद नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ नहीं होगा शायद। अच्छा, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऐसा। क्या लिखा है? मुई नीलाचल छाड़ी जीवी अर्जुन मोर भंडार घरे थी जेते धन तहिरे कलंकी लगी जीव अक्षय होई मोर सेवक माने बाटर न थाई। जी जी, मेरे जो सेवक है वो ठीक रास्ते में नहीं होंगे तो मेरा जो अर्जित मोर जो धन है रखा है वो भी नहीं, वो क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका मतलब जो होगा हाँ, ये तो हमको बोलने का जरूरत नहीं। अच्छा जी, तो ये मोटा मोटी यही सब आएगा आपका कोई काम करेंगे हम लोग जब शनिश्चर मीन राशि में आएंगे उसके बाद हम एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, इसके विषय पर हाँ, जो है हम हाँ, एक अच्छा उस टाइम में शनिश्चर आने के बाद क्या क्या होगा उस मतलब मीन शनि योग होने के बाद और क्या क्या होगा अच्छा, उसका पर डिस्कशन करेंगे। जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने बहुत ही सुंदर जो है तथ्य प्रदान किए हमारे भक्तों को। तो फिर आप अभी सुन रहे थे मालिका रिसर्चर और कलकुला पुस्तक के रचयिता श्री पुलिन बिहारी पंडा जी से। श्री पुलिन बिहारी पंडा ने आपको बताया कि 2024 में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ घटना इसमें घटित होगा। समय साक्षी है, देखते हैं क्या क्या होता है। तो फिर कहाँ से, किस प्रदेश से आप ये वीडियो को देख रहे हैं वो भी लिखिए, और ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये बात भी आप लिखिए। क्या पुलिन पंडा जी से और क्या क्या बात आप जानना चाहते हैं भविष्य मालिका के रिगार्डिंग, वो भी आप लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए। जय जगन्नाथ, जय पंचका।